गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग आप सभी को। जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए, फिर बातें करते हैं कुछ। जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी एग्रीकल्चर के ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से YouTube, Facebook, Instagram, जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से। जल्दी से कर दीजिए, फिर अपन बात करें कुछ। हाँ, सभी कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बेटा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से मनोकामना करते हैं कि आपकी सभी डिजायर्स, आपकी सभी कामनाएं पूरी हो, आपकी जितने भी विशेज है वो ट्रू हो, आपकी डिजायर जो भी है लाइफ में, भगवान से यही कामना है कि वो सभी की सभी सक्सेस हो, आप लाइफ के हर मुकाम को हासिल करो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स डे की शुभकामनाएं देने के लिए। भगवान से यही मनोकामना है कि आप जितने भी जेट के विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, आपकी पहली डिजायर तो यही है कि आपका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में या राजस्थान के टॉप मोस्ट कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, जोबनेर कॉलेज जोबनेर, या बीकानेर कॉलेज कोटा भीलवाड़ा, इन कॉलेज में आपका एडमिशन हो। इसके बाद भी लाइफ में डिजायर्स की कभी कभी कोई कमी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं और मनोकामनाएं आई जाती है। तो भगवान से मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ, माता रानी से यही प्रार्थना कर सकता हूँ, भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। NCA परिवार की ओर से आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, क्या बच्चों ठीक है ना? देखो बेटा, आज का दिन बच्चों बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही विशेष मायने रखता आज का दिन, क्योंकि आज जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज का दिन हर उस विद्यार्थी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है जिसका कोई ना कोई शिक्षक होता है, कोई गुरु होता है, उसके लिए आज का दिन तो बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है। आपके जैसे मेरे भी कोई गुरु रहे हुए हैं, तो मैं भी मेरे गुरुओं को सुबह पहले, मैंने तो कर लिया था विश वगैरह, उनका आशीर्वाद सदैव जिंदगी की किसी भी स्टेज पर चला जाऊँ मैं, लाइफ के किसी भी मुकाम पर मैं पहुँच जाऊँ, तो भी मेरे पे उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा, या मैं उनके लिए सदैव प्रिय ही रहूँगा। तो आज शिक्षक दिवस है, तो आज के दिन आपको, देखो आज पहले का जमाना था कुछ और था, आज का जमाना कुछ नई जनरेशन का है। पहले पुरानी शिक्षा पद्धति थी, आजकल न्यू जनरेशन है, तो नई शिक्षा पद्धति हो गई, नई शिक्षा की टेक्निक्स आ गई है। पहले के जमाने के गुरु भी जो थे, टीचर्स भी थे, वो भी पुराने टाइप के थे। अब नए जमाने के टीचर्स, यंग जनरेशन जो आई है, वो अपने जमाने की जनरेशन है। तो पुराने जमाने के क्या होता था, शिक्षा देने के बाद गुरु दक्षिणा मांगते थे, और हमारे जैसे लोग क्या होते हैं, शिक्षा तो बाद में देंगे, पहले गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं, शिक्षा तो बाद में देंगे, पहले गुरु दक्षिणा तो मांग लेते हैं, शिक्षा तो दे देंगे। तो आज मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांग रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग दोगे भी उसे। क्या तैयार हो आप सभी? देखो आज की क्या है, गुरु के चेले भी आजकल बहुत तेज हो गए, जैसे गुरु होते हैं चेले भी उसी हिसाब के हो गए, चेले भी बहुत फास्ट हो गए। तो कहते हैं चेले बाद में तो गुरु दक्षिणा देने का काम करते ही नहीं है,
बाद में तो गुरु दक्षिणा कोई नहीं देता है, तो मैं तो पहले ही मांग लेता हूँ। मेरा तो बहुत क्लियर फंडा है कि पहले ही गुरु दक्षिणा मांग ली जाए तो काम खत्म हो जाए। तो मांग ले आप सभी से गुरु दक्षिणा। ठीक है, आप सभी कह रहे हो यस, लेकिन लेकिन बात याद रखना, मांगने के बाद फिर ऐसा नहीं कि सर नहीं हो पाएगा, मांगने के बाद ऐसा नहीं कि सर नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है ललित, जान नहीं मांगूंगा भैया। ललित कह रहा है जान मांग लो सर। भैया इतना प्यार है आपका, वो बहुत है मेरे लिए। तो आप लोग इतना प्यार और स्नेह करते हो, ये बहुत ज़्यादा है। आपका यही प्यार और स्नेह देख के ही तो दिल खुश हो जाता है। हाँ ठीक है बेटा, मैं मांगता हूँ मेरी गुरु दक्षिणा। तो फर्स्ट मेरी गुरु दक्षिणा क्या है? पहली गुरु दक्षिणा है मेरी, आज के बाद जब तक जेट का एग्जाम नहीं होता है तब तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। आज के बाद जब तक एक महीना जेट का एग्जाम का रिमेनिंग टाइम है, एक महीने तक जब जेट का एग्जाम या जो भी अपन आईसीआर की तैयारी करें या किसी और की तैयारी करें, बीएचयू की तैयारी करें, जब तक मेरा एग्जाम नहीं होता है तब तक मेरे को सोशल मीडिया नहीं चलानी है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह नहीं चलाना। किसी कारणवश कुछ चीज़ देखनी हो तो चला सकते हो, लेकिन एक एंजॉय के हिसाब से अपने को वो नहीं चलाना है। फर्स्ट गुरु दक्षिणा तो आपको मेरे को यह देनी है। दूसरी गुरु दक्षिणा है, आज के बाद जब तक जेट का एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आरामदायक स्थिति को छोड़ना है, कंफर्टेबल जोन को छोड़ देना है। आज के बाद जरूरी नहीं कि अपने को 8 घंटे 7 घंटे या 10 घंटे की नींद लेना जरूरी है, 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे की नींद भी बहुत ज़्यादा है। 5 घंटे सो लोगे 24 घंटे में से तो बहुत है, 10 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो शरीर वैसे ही काम करेगा। आप 5 घंटे की नींद लीजिए पूरी। तो आज के बाद समय का बड़ा सदुपयोग करना है, एक महीने का अपने पास समय है, एक महीने में इतनी मेहनत से तैयारी करनी है कि साल भर की तैयारी उसके आगे कमजोर पड़ जाए। जो अपने साल भर तैयारी की, वो साल भर की तैयारी इस एक महीने की तैयारी से कमजोर पड़ जाए। एक ऐसी मेहनत करनी है, बड़ी शिद्दत और लगन के साथ मेहनत करनी है। ये 2 गुरु दक्षिणा मैं आपसे मांग रहा हूँ, ये मेरी दोनों विश आप पूरी करोगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है। ठीक है चलो, मैं एक स्टोरी की बात कर रहा हूँ, एक कहानी मैंने आज ही सुनी थी, वो भी तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैंने भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं YouTube देख रहा था तो वहाँ पे मेरे को एक कहानी मिली थी, बहुत अच्छी इंस्पायरेशन कहानी थी, बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी थी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा। वो तो बच्चों एक बात, जब एक टीचर थे, क्लास ले रहे थे स्टूडेंट्स की, बच्चों की क्लास ले रहे थे, बाहर बारिश आ रही थी, 10-20 बच्चे बैठे हुए थे क्लास, के बाहर बारिश आ रही थी। टीचर ने कहा कि मैं सभी विद्यार्थियों को, छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल की एज वाले विद्यार्थी थे मैक्सिमम, तो टीचर ने कहा मैं आपको सभी को 100-100 रुपीस दूंगा, तो आप लोग उसका क्या करोगे? 100-100 रुपीस मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उस 100 रुपीस का क्या करोगे? तो कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर मैं चॉकलेट लेके आऊँगा, 100 रुपीस बहुत ज़्यादा मिल गए सर, मैं चॉकलेट लेके आऊँगा, खूब सारी बहुत अच्छे से खाऊँगा। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मैं कुछ मिठाई खरीद के खाऊंगा, कुछ विद्यार्थी कुछ मांगते हैं। एक विद्यार्थी ऐसा था जो सिर्फ बाहर देख के सोचे जा रहा था, तो टीचर ने पूछा आपको क्या चाहिए, आप क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा सर मैं मेरी बूढ़ी माँ के लिए एक चश्मा खरीदना चाहता हूँ, मैं मेरी बूढ़ी माँ के लिए एक चश्मा खरीदना चाहता हूँ, 100 रुपये में मैं वही खरीदूंगा। तो शिक्षक जा था, उसने कहा बेटा ये काम तो आपके पापा भी कर देंगे, आपके पापा भी दिला देंगे, आपकी बूढ़ी माँ को दिखता नहीं है, कम दिखता है, तो चश्मा तो आपके पापा दिला देंगे। तो जो टीचर का जवाब था वो सुन के, स्टूडेंट का जो जवाब था वो सुन के टीचर्स भी उदासीन हो गया, बाकी बच्चे भी थे वो भी उदास हो गए।
टीचर भी उदास हो गया, बाकी बच्चे भी उदास हो गए। स्टूडेंट ने कहा, सर मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए हमें छोड़ के कभी कहीं, और मेरी बूढ़ी माँ है जो लोगों के कपड़े धोकर, लोगों के घरों में खाना बनाकर अपना गुजारा कर रही है और मुझे पढ़ा रही है, लोगों का गुजारा कर रही है और मुझे पढ़ा रही है। तो ऐसा कहने के बाद टीचर ने कहा कि 100 रुपीज़ टीचर ने उसको और दिए कि ये 100 रुपीज़ तो बेटा आपकी माँ के चश्मे के लिए है, और ये 100 रुपीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा और दे रहा हूँ, लेकिन ये 100 रुपीज़ मैं वापस लूँगा जिस दिन आप सक्सेस हो जाओ, उस दिन मेरे 100 रुपीज़ मेरे को वापस लौटा जाना। ऐसा कह के टीचर अपनी बात ख़त्म कर देते हैं, टीचर उसको कहते हैं। तो उस बच्चे की उस समय की जब क्लास थी, उसका जो शिक्षा दी गई थी उसके घर वालों की तरफ से, रियली में वो बड़ी अच्छी शिक्षा थी, वो अपने परिवार के प्रति बड़ा ही अच्छी सोच रख रहा था, वो परिवार अपनी बूढ़ी माता जी के लिए बहुत अच्छी सोच थी उसकी, बाकी बच्चे खुद के बारे में सोच रहे थे, मुझे 100 रुपये मिले मैं वो खा लूँगा, मैं वो पी लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन उस बच्चे की सोच अपनी बूढ़ी माँ के लिए थी। कुछ वर्ष गुजर गए, 20 वर्ष के बाद वो बच्चा बड़ा हो गया और उसी स्कूल में उस अध्यापक की पोस्टिंग थी, वो उस स्कूल में एक लाल बत्ती की गाड़ी आती है, और श्रीमान उस जिले के कलेक्टर उस गाड़ी में बैठे होते हैं। बाकी टीचर देखते हैं कि ये कौन आ गया, बाकी टीचर घबरा जाते हैं क्योंकि जिला कलेक्टर एक बहुत बड़ी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर स्कूल में आया है तो स्कूल में कुछ खामियां होगी तो अपने को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बाकी टीचर्स घबरा गए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्कूल के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्कूल में आता है जिला कलेक्टर, और उस टीचर के जिस टीचर ने 100 रुपीज़ दिए थे उसको 100 रुपीज़ देता और कहता है सर ये आपके 100 रुपीज़ लीजिए। तो टीचर उसको बच्चे को पहचान जाता है कि 20 साल पहले इसी बच्चे को मैंने 100 रुपये दिए थे और उसी बच्चा आज इस जिले का कलेक्टर है। तो बच्चा उस बच्चे की मेहनत इतनी अच्छी थी कि उसने पूरी ज़िंदगी में अपनी बूढ़ी माँ का फेस याद रख रखा था, अपनी माताजी की शक्ल याद रख रखी थी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, मेरे माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है मुझे ज़िंदगी में, उनकी जो उन्होंने जैसी कठिनाइयाँ देखी है उन कठिनाइयों को दूर करना है। तो मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, मैं आप लोगों से यही गुरुदक्षिणा की मांग करता हूँ कि आप कभी भी अपने माता पिता को दुख मत पहुँचाना, ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे चले जाना, ज़िंदगी के किसी भी मोड पे चले जाना, कितने भी बड़े आदमी बन जाना, माता पिता आपके लिए हमेशा ही बड़े हैं और वो बड़े ही रहेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं, हम बड़े बन गए तो माता पिताजी, तो देखो माता और पिता जिस वेशभूषा में रहते बेटा वो तो वही उसी में रहेंगे, ऐसे नहीं कि अपन बड़ी शानो शौकत से रह रहे हैं, अपने कपड़े पहनने का ढंग अलग है, माता पिता का अलग है, तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं, वो उनका है, बुढ़ापे में बेचारे ऐसे ही पहनेंगे तो घबराने वाली बात नहीं है। तो आप चाहे ज़िंदगी की किसी भी स्टेज में पहुँच जाए, किसी भी सीढ़ी पर पहुँच जाए, आप अपने माता पिता से प्यार करना, अपने शिक्षकों से प्यार करना। ठीक है बेटा, इतना कह के मैं अपना लाइव सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, अपन लाइव सेशन को स्टार्ट करें। आप बोलो फटाफट, जल्दी से लाइव सेशन को स्टार्ट कर दे, कह दे तो आप। लखन कह रहा है जेट एग्जाम कब है, लखन बेटा जेट एग्जाम मे बी सितंबर के लास्ट वीक में जेट एग्जाम हो सकती है, हो सकता है 29 सितंबर को जेट एग्जाम हो, मे बी, 100% नहीं कह रहा मैं, मे बी सितंबर लास्ट या 29 सितंबर, 100% नहीं है, 29 सितंबर को हो सके, लेकिन सितंबर लास्ट वीक में 100% जेट एग्जाम होगा। ठीक है, लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्टिव फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है। ऑप्शन नंबर 1 पेरेंट मटेरियल, ऑप्शन नंबर 2 क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर 3 टाइम, ऑप्शन नंबर 4 टोपोग्राफी। राहुल बता रहा है 2, राज बता रहा है 2, राधेश्याम बता रहा है बी। रुद्रदेव बता रहा है बी, संतोष बता रहा है बी, मनीषा थैंक यू, खुशीराम बता रहा है 2, भरत बता रहा है 2,
कुसुम पटेल बता रही है क्लाइमेट, राज बता रहा है दो, जगदीश बता रहा है दो, ओम प्रकाश बता रहा है बी, देवेंद्र बता रहा है बी। चलो बेटा अपन बात कर रहे थे बच्चों इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन का निम्न में से सक्रिय कारक कौन सा है। तो एक्टिव फैक्टर की बात करें तो सोइल फॉर्मेशन का एक्टिव फैक्टर कौन है, क्लाइमेट। सोइल फॉर्मेशन मृदा निर्माण का सक्रिय कारक क्या है, जलवायु मृदा निर्माण का एक सक्रिय कारक है, एक्टिव फैक्टर है। एक साइंटिस्ट था जोफे, 1949, जोफे ने सोइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर है, मृदा निर्माण के जो कारक है, मृदा निर्माण के कारकों को दो क्लास में डिवाइड किया था, एक एक्टिव फैक्टर और एक पैसिव फैक्टर, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक मृदा निर्माण के कारकों को दो क्लास में डिवाइड किया, किस वैज्ञानिक ने, जोफे ने, जोफे नामक वैज्ञानिक ने मृदा निर्माण के कारकों को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर की बात करें जो सोइल फॉर्मेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेंट करते हैं, जैसे क्लाइमेट एक एक्टिव फैक्टर है, जलवायु परिवर्तित होती रहती है, इसका मतलब एक्टिव है, सक्रिय है। तो एक तो हो गया क्लाइमेट, देखो रटने वाली बात नहीं है बेटा, रटना मत इस चीज को कि कौन सा सक्रिय है कौन सा निष्क्रिय है। जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट लगातार चेंज होता रहता है, कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, तो क्लाइमेट एक्टिव है, जलवायु सक्रिय कारक है। सेकंड, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव भी मृदा में एक्टिव कर रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी मृदा में गतिशील रहते हैं, कंटिन्यूअस गति करेंगे। तो ये दोनों ही फैक्टर एक्टिव फैक्टर है, मृदा निर्माण के दोनों ही सक्रिय कारक है, जलवायु और दूसरा सूक्ष्म जीव, या इसको कह दे सूक्ष्म जीव को अपन क्या कह सकते हैं, जीव मंडल। सूक्ष्म जीव को अपन बोल सकते हैं जीव मंडल, बायोस्फीयर। जलवायु और बायोस्फीयर मृदा निर्माण के सक्रिय कारक है। निष्क्रिय की बात करें, स्थलाकृति जिसे कहते हैं इंग्लिश में टोपोग्राफी, टोपोग्राफी स्थलाकृति का मतलब आकृति कैसी है, तो कोई एक्टिव काम नहीं है। दूसरा समय, टाइम, स्थलाकृति समय। तीसरा कौन सा है, क्लाइमेट हो गया, माइक्रो स्थलाकृति हो गया, समय हो गया, और थर्ड है तीसरा कौन सा बेटा, पैतृक पदार्थ। बच्चों कौन सा है तीसरा, पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल। ये तीन फैक्टर निष्क्रिय फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर सक्रिय फैक्टर हैं। तो पूछ ले किस वैज्ञानिक ने मृदा निर्माण के कारकों को दो क्लास में डिवाइड किया, जोफे ने किया, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक में। एक वैज्ञानिक आया जेनी, जेनी जो वैज्ञानिक आया 1941 में, उसने जो सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर हैं, मृदा निर्माण के जो कारक है, लखन बता रहा है सर हिंदी में बताओ सर, हाँ लखन हिंदी में बताता हूँ बेटा मैं। एक वैज्ञानिक है जेनी, जेनी नाम का जो वैज्ञानिक था, जेनी ने मृदा निर्माण के कारकों की एक इक्वेशन दे दी। तो पूछ ले मृदा निर्माण के कारकों की इक्वेशन किसने दी, और क्या इक्वेशन दी, एस मीन्स मृदा, एप मीन्स फॉर्मेशन, और पांच कारक कौन कौन से हैं, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, टोपोग्राफी को बोलते हैं रिलीफ भी, स्थलाकृति को रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम। पूछ ले ऐसा सूत्र किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ऐसा सूत्र या फॉर्मूला किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये किसने दिया, जेनी ने दिया। जेनी ने मृदा निर्माण के कारकों की इक्वेशन दी 1941 में, और मृदा निर्माण के कारकों को सक्रिय और निष्क्रिय में किसने बांटा, जोफे ने बांटा। ठीक है नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर टू क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2:2 टाइप क्ले मिनरल, निम्न में से 2:2 प्रकार मृतिका खनिज है,
ऑप्शन नंबर एक केओलिनाइट, ऑप्शन नंबर दो क्लोराइट, ऑप्शन नंबर तीन मोंटमोरिलोनाइट, ऑप्शन नंबर चार इलाइट। राहुल बता रहा है तीन, राज बता रहा है दो, राज बता रहा है तीन, एचआर चौधरी बता रहा है दो, टीना बता रही है दो, इमरान बता रहा है दो, आयन बता रहा है दो, रुद्रदेव बता रहा है दो, महेंद्र सिंह बता रहा है दो, प्रीतम शर्मा बता रहा है दो, चौधरी सोनू बता रहा है दो, टीना बता रही है दो, दिव्या बता रही है दो, कुसुम बता रही है क्लोराइड, अभिषेक बता रहा है दो, सुमन डीके बता रहा है सी, कुशीराम बता रहा है बी, देवेंद्र धाकड़ बता रहा है बी, कुसुम पटेल बता रही है बी। ठीक है, आपका कभी सभी का आंसर करीब करीब राइट आंसर है। जो 2:2 टाइप मिनरल्स है वो कौन सा है? क्लोराइड। ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। 2:2 टाइप मिनरल्स की कैटेगरी की बात की जाए तो वो कौन सा है? क्लोराइट है। केओलिनाइट कौन सा है? 1:1 टाइप। क्लोराइट हो गया 2:2 टाइप। मोंटमोरिलोनाइट कौन सा है? 2:1 टाइप। और इलाइट भी कौन सा है? 2:1 टाइप। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट में अंतर क्या है? मोंटमोरिलोनाइट कौन सा है? प्रसारीय है, और ये अप्रसारीय है। मोंटमोरिलोनाइट है एक्सपेंडिंग टाइप और ये है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। कौन सा है? नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है, वो है इलाइट। और एक्सपेंडिंग दो अनुपात एक प्रकार का कौन सा है? मोंटमोरिलोनाइट है। तो पूछ ले, दो अनुपात एक प्रकार का अप्रसारीय मृदा कोलाइड है इलाइट, दो अनुपात एक प्रकार का प्रसारीय मृदा कोलाइड है मोंटमोरिलोनाइट, एक अनुपात एक प्रकार का केओलिनाइट, दो अनुपात दो प्रकार का कौन है? क्लोराइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सोइल बफरिंग कैपेसिटी इज रेसिस्टेंट अगेंस्ट विच, मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके परिवर्तन में प्रतिरोध प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर एक कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर दो वेदरिंग, ऑप्शन नंबर तीन प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर चार पीएच। इमरान बता रहा है डी, राज पटेल बता रहा है चार, हर्षित बता रहा है चार, रानी बता रही है चार, राहुल बता रहा है चार, सत्येंद्र बता रहा है चार, धर्मेंद्र चार, राहुल चार, सोहन चार, चित्रांशु चार, आशा चार, टीना चार, खुशीराम चार, सचिन बता रहा है चार, पवन मीना जी बता रहे हैं डी, काना धाकड़ चार, दिव्या धाकड़ चार, चंद्रकांता डी, लक्ष्मण पटेल चार। हाँ, तो अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, बच्चों अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बफरिंग कैपेसिटी उभय प्रतिरोध, उभय प्रतिरोध क्या होता है? बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बफरिंग कैपेसिटी होती है पीएच के प्रति प्रतिरोध, पीएच के प्रति रेसिस्टेंट डेवलप करना। मतलब अगर किसी सोयल की बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस सोयल का आप पीएच चेंज आसानी से नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की मान लो आप तो बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और आपको उसका पीएच चेंज करना है तो आप इजीली उसका पीएच चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है बफरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? पीएच के प्रति रेसिस्टेंट क्या कहलाती है? बफरिंग कैपेसिटी। पीएच के प्रति प्रतिरोध क्या कहलाती है? बफरिंग कैपेसिटी। और सबसे बेस्ट बफर सोल्यूशन कौन सा है? सबसे बेस्ट अमोनियम एसीटेट। सबसे बेस्ट बफर सॉल्यूशन कौन सा है? अमोनियम एसीटेट सबसे बेस्ट बफर सॉल्यूशन है। अगर अमोनियम एसीटेट किसी में डाल दे
तो उसकी बफरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती। अमोनियम एसीटेट सबसे बेस्ट बफर सॉल्यूशन है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर एग्जाम में पूछ लें कि हाईएस्ट बफरिंग कैपेसिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा बफरिंग कैपेसिटी किसकी होती है, तो जिस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उस सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज़्यादा है उसकी बफरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों का आंसर शायद आए भी नहीं। हर्टिंग नेट किसमें पाया जाता है? माइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। हर्टिंग नेट फाउंड इन एचआर चौधरी जी दिख रहा है वही है, आर्यन महेश भी, लेकिन यहां तो CH3CWH और नहीं, अमोनियम एसीटेट सबसे बेस्ट बफर सॉल्यूशन है। आयन एचआर चौधरी बता रहा है 3, मनीषा बता रही है 3। अब देखना बाकी सभी लोग 3-3 पे आंसर लगा देंगे, क्योंकि एक ने किसी ने 3 दे दिया, बाकी सभी 3 बता देंगे। इमरान 3, अभिषेक 3, सचिन 3, ललित बता रहा नहीं होता, दिव्यांश सी, हंसराज सी, राज पटेल बता रहा है व्हाट इज हर्टिंग नेट, भरत बी, संजय 2, अंकित 2, कमल वर्मा बी, लक्ष्मण बता रहा है नहीं पता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे आंसर बता रहे हैं तो वो पता नहीं किस आधार पे बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर्टिंग नेट, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, नहीं ऊपर लेना था यार, ये लेना। ये दिख रहा है आपको, देखो माइकोराइजा दो प्रकार का होता है, जो माइकोराइजा है ये माइकोराइजा दो प्रकार का होता है। माइकोराइजा टू टाइप्स का होता है, एक एक्टोमाइकोराइजा, एक एंडोमाइकोराइजा। एक एक्टोमाइकोराइजा होता है, एक एंडोमाइकोराइजा होता है। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है, फंगस का माइकोराइजा होता क्या है, जो फफूंद होती है, फफूंद का किसके साथ संबंध, फफूंद का किसके साथ संबंध, उच्च पादपों की जड़ों, फफूंद व हायर प्लांट्स की रूट के बीच में रिलेशनशिप क्या कहलाती है, माइकोराइजा। फफूंद व उच्च पादपों की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। माइकोराइजा शब्द का प्रयोग किसने किया, माइकोराइजा शब्द किसने दिया, एक वैज्ञानिक था फ्रैंक नाम के वैज्ञानिक ने माइकोराइजा शब्द का प्रयोग किया। उच्च पादपों की जड़ों व फफूंद के मध्य पाया जाने वाला संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। अब देखना माइकोराइजा दो प्रकार की, एक एक्टो और एक एंडो। जो एक्टो माइकोराइजा है इसके अंदर एक फंगल जो ये वाली ग्रोथ है, मतलब फफूंद ने एक जाल बिछा दिया जड़ों के चारों तरफ, फफूंद ने एक जाल बिछा दिया जड़ों के चारों तरफ, इसी को क्या कहते हैं, हर्टिंग नेट कहते हैं। यही क्या कहलाता है, हर्टिंग नेट कहलाता है, जो कि किसमें पाया जाता है, एक्टोमाइकोराइजा में पाया जाता है। जबकि एंडोमाइकोराइजा क्या करती है, जड़ों के अंदर, जड़ के अंदर जाकर जो ये वेसिकुलर है, इस वेसिकुलर के अंदर जाती है,
तो वो तो होती है एंडोमाइकोराइजा। यहां आपको कोई जाल नहीं दिखाई दे रहा, यहां पे जाल दिखाई दे रहा है रूट्स के चारों तरफ। तो रूट्स के चारों तरफ जो जाल बना हुआ है, फंगल सीथ है, ये फंगल सीथ ही क्या कहलाती है, हर्टिंग नेट कहलाती है, जो किसमें पाई जाती है, एक्टोमाइकोराइजा में पाई जाती है, और एंडोमाइकोराइजा में ये नहीं पाई जाती। जो एंडोमाइकोराइजा है इसमें यह नहीं पाई जाती। एंडोमाइकोराइजा में क्या आता है, वैम। एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल क्या है, वैम, वेसिकुलर अर्बोसुकर माइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा का उदाहरण है। और एक्टो की बात करें, इसका उदाहरण क्या है, बोलिटस एंड एमेनिटा, बोलिटस व एमेनिटा जो ग्रुप है, वो कि जो फंगस का बोलिटस और एमेनिटा ग्रुप है वो एक्टोमाइकोराइजा के अंदर आता है, और वैम जो है वेसिकुलर अर्बोसुकर माइकोराइजा ये किस में आता है, एंडोमाइकोराइजा के अंदर आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर क्या हो गया, किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया, एक्टोमाइकोराइजा में हर्टिंग नेट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्या कह रही है इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की नीट लेवल की है इंपॉर्टेंस। दिव्या नीट में नहीं आएंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इलिवेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ह्यूमस कार्बोनेट फ्रॉम अपर होराइजन्स एंड देयर अकुमुलेशन इन सब सरफेस होराइजन्स। आयरन व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ह्यूमस कार्बोनेट का ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में जाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 लेटराइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 पोर्जोलीकरण, ऑप्शन नंबर 3 वीक कैल्सीकरण, ऑप्शन नंबर 4 पेडोटर्बेशन। कमल वर्मा बता रहे हैं सी, राहुल बता रहा है सी, हर्षित बता रहा है सी, इमरान बता रहा है बी, कुसुम बता रही है ए, अंकित बता रहा है 1, आशा बता रही है बी, एचआर चौधरी बता रहा है 2, रुद्रदेव बता रहा है बी, काना दाखड़ बता रहा है 2, दिव्या बता रही है हाँ फंगस, ठीक है कोई बात नहीं, ओके, संजय बता रहा है 2, विनू सोनगर बता रहा है 2, महेंद्र सिंह बता रहा है बी, गोपाल दाखड़ बता रहा है बी, अभिषेक बता रहा है बी, चंद्रकांता बता रही है बी, विकास बता रहा है बी, ठीक है अपन बात कर लेते हैं। देखो इधर देखना आप, एफ और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मतलब क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है आयरन व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, तो अपन ने लिख दिया आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड कहलाते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड। अगर ये ऊपर वाले होराइजन से, अपर लेयर से नीचे वाले होराइजन्स में आते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है पोडजोलीकरण। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, पोडजोलीकरण कहलाएगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का अपर लेयर से लोअर लेयर में आना सोइल फॉर्मेशन की कौन सी प्रोसेस कहलाती है, पोडजोलीकरण कहलाती है। अगर इसकी जगह अपने को बोल देते सिलिका का ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में आना कहलाता है, तो वो प्रोसेस हो जाती लेटराइजेशन। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जिसमें सिलिका जो है अपर लेयर से लोअर लेयर में आता है वो प्रोसेस हो जाती लेटराइजेशन। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बात की, वो प्रोसेस हो गई पोडजोलीकरण। वो प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, पोडजोलीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई वॉटर इज कॉल्ड, पानी के द्वारा पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होना कहलाता है। एलुवियम, कोलुवियम, लोज, एओलियन। इमरान बता रहा है ऑप्शन नंबर एक, राहुल बता रहा है चार, इमरान एक, आर्यन आर्यन माहेश्वरी एक, राहुल एक, राज पटेल चार, रानी एक, दिव्या एक, राहुल एक, धर्मेंद्र चार, देवेंद्र एक, सचिन एक, एचआर चौधरी एक, नेहा एक, अभिषेक एक, प्रीतम शर्मा एक, संजय एक, रुद्रदेव सिंह चौहान एक, कमलेश धाकड़ एक, आशा गुजर एक, दिव्यांश पुनिया एक, निकू धाकड़ एक, अभिनंदन पारिक एक, भरत कुमार धाकड़ एक, अंकित मीणा एक। ठीक है, देखो तो आपका सभी का आंसर करीब करीब सही है। अगर पानी के द्वारा, वोटर के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? एलुवियम कहलाता है। पानी के साथ जाएगा तो वो क्या हो गया? एलुवियम हो गया। कोलुवियम क्या होता है? कोलुवियम होता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जाना। गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? कोलुवियम। एओलियन क्या होता है? एओलियन क्या होता है? हवा के द्वारा, विंड के द्वारा सैंड का, बालू का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एओलियन कहलाता है। पानी के द्वारा पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एलुवियम, ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जाना कोलुवियम, हवा के द्वारा बालू का एक स्थान, सैंड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एवोलियम, और एक और होता है लुकस्ट्राइन। लुकस्ट्राइन मतलब नहर, लेक्स के द्वारा जो नहरें होती है, झील, झीलों के, सॉरी नहर नहीं, झील, झील के द्वारा पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना लुकस्ट्राइन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्या। एंटीनाई, इंसेप्टी सोयल, एलुवियल प्रोसेस के द्वारा बनने वाली मृदाएं जो है वो इंसेप्टी सोयल कहलाती है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूसाइट लेयर इज प्रेजेंट इन, ब्रूसाइट परत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर एक केओलिनाइट, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर एक केओलिनाइट, ऑप्शन नंबर दो क्लोराइट, ऑप्शन नंबर तीन इलाइट, ऑप्शन नंबर चार मोंट मोरिलोनाइट। ब्रूसाइट लेयर पाई जाती है सचिन बता रहा है बी, टीना बता रही है बी, ममता बता रहा है बी, कुसुम बता रही है क्लोराइड, भरत कुमार धाकड़ बता रहा है बी, आर्यन माहेश्वरी बता रहा है बी, प्रीतम शर्मा बता रहा है बी, हंसराज बता रहा है बी। अपना आंसर की बात कर लेते हैं, ब्रूसाइट लेयर इज प्रेजेंट इन, ब्रूसाइट लेयर किसमें पाई जाती है? ब्रूसाइट लेयर पाई जाती है क्लोराइट में, जो दो अनुपात दो प्रकार का मृदा कोलाइड है। दो अनुपात दो प्रकार का मृदा कोलाइड कौन सा है? क्लोराइट। इसमें क्या होता है, दो तो सिलिका की लेयर पाई जाती है और एक एल्यूमिना की लेयर होती है, और एक एक्स्ट्रा लेयर जो होती है वो किसकी होती है? मैग्नीशियम की। उस लेयर को क्या बोला गया है? ब्रूसाइट। देखो दो अनुपात दो प्रकार का मृदा कोलाइड कौन सा है?
क्लोराइट 2:2 प्रकार का मर्दा कोलाइड है। 2:2 का मतलब क्या हुआ, 2 सिलिका की लेयर पाई जाती है इसमें, 1 एल्यूमिना की लेयर पाई जाती है इसमें, और 1 एक्स्ट्रा लेयर जो पाई जाती है मैग्नीशियम की, इसी एक्स्ट्रा लेयर को क्या कहा जाता है, ब्रूसाइट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम की एक्स्ट्रा लेयर ही ब्रूसाइट कहलाती है जो कि क्लोराइट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ CO2 इन सोयल कंपेयर टू एटमोस्फियर, वायुमंडल वायु की अपेक्षा मृदा वायु में CO2 होती है, ऑप्शन नंबर 1 अधिक, ऑप्शन नंबर 2 कम, ऑप्शन नंबर 3 समान, ऑप्शन नंबर 4 नो चेंज देन एटमोस्फेरिक CO2, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। राज पटेल बता रहा है 1, नेहा बता रही है 1, सचिन बता रहा है 1, कुसुम बता रही है 1, धर्मेंद्र चौधरी 1, आशीष 1, सचिन 1, हरेंद्र 1, ललित विकास 1, शुभम जाट 1, प्रीतम शर्मा 1, दिव्या धाकड़ 1, शुभम जाट 1, अंकित धाकड़ 2, ललित 1, लखन गुजर 1, ममता चौहान 1, कमल वर्मा 1, राहुल खटीक 1, प्रीतम शर्मा 1, रानी 1। ठीक है, अपन बात करें क्या क्वेश्चन है, CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मृदा वायु के अंदर वायुमंडल वायु की अपेक्षा कम होती है या ज़्यादा। तो पहले तो मैं बता दूं कि मृदा में कितनी होती है, वायुमंडल में कितनी होती है। वायुमंडल में CO2 होती है 0.03%, वायुमंडल में CO2 कितनी होती है 0.03%। इसका 8 से 10 गुना अधिक, वायुमंडल की 8 से 10 गुना अधिक, 8 to 10 times मोर CO2 कहां पाई जाती है मृदा के अंदर, कितनी, 0.25 से 0.30%। वायुमंडल वायु के अंदर CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%, जिसकी 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है किसमें, मृदा के अंदर, सोयल के अंदर, कितनी हो गई 0.25 से 0.3। इसका मतलब मृदा वायु के अंदर CO2 क्या होगी, वायुमंडल की अपेक्षा अधिक होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपको कभी, जैसे आपको मालूम है कि वायुमंडल में CO2 इतना पाई जाती है, लेकिन एग्जाम में एक बार इस क्वेश्चन को क्या पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया PPM के अंदर, एग्जाम में पूछ लिया एक बार इसका आंसर PPM में कि वायुमंडल में कितना PPM CO2 पाया जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा आंसर बताता हूं, कितना भी आपको परसेंट दिया हुआ है उसको 10,000 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा, PPM आ जाएगा। जितना भी परसेंट है उसको 10,000 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा, PPM आ जाएगा। जैसे अपन बात करें वायुमंडल में CO2 कितनी होती है 0.03%, इसको किससे गुणा कर दे, 10,000 से गुणा कर दो, ये दो पॉइंट, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसको हटाने के लिए अपन क्या लगा दे, नीचे दो जीरो लगा दे, पॉइंट हट गया अपना, दो जीरो से दो जीरो काट दो और 3 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 300 PPM। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है 300 PPM, वायुमंडल के अंदर CO2 पाई जाती है। ऐसे ही अपन मृदा के अंदर बात करें तो मृदा के अंदर जैसे कहूँ मैं 0.25, माना अपन ने मृदा में CO2 कितनी है 0.25% CO2 है, इसको किससे गुणा कर दिया 10,000 से गुणा कर दिया, परसेंट को 10,000 से गुणा कर दो, PPM में आंसर आ जाएगा। तो दो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, जीरो लगा देते हैं दो नीचे, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 25 को 100 से गुणा किया कितना गया 2500 PPM। तो ऐसा भी अगर आंसर पूछ लिया आपको तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको परसेंट याद है तो आप PPM में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, और अगर आपको PPM याद है
तो आप उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, वो कैसे करेंगे, पीपीएम आपको मालूम है तो पीपीएम में किसका भाग दे देंगे, 10,000 का भाग दे दो, पीपीएम में 10,000 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। तो अगर परसेंट से पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करना है, 10,000 से गुणा करना है, और पीपीएम से परसेंट निकालनी है तो 10,000 का भाग दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हु इज द फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस, निम्न में से भारतीय मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक डोकुचेव, ऑप्शन नंबर दो लिबिंग, ऑप्शन नंबर तीन लीथर, ऑप्शन नंबर चार मार्बट। जल्दी से बताइए, सत्येंद्र बता रहा है एक, हर्षित बता रहा है तीन, राहुल बता रहा है बी, निकू बता रहा है वापिस समझाओ। ठीक है निकू, वापिस समझाते हैं एक बार। देखो देखो बेटा, क्या होता है, अगर अपने को परसेंट मालूम है और पीपीएम में निकालना है, एग्जाम में पूछ लिया पीपीएम में निकालो, पीपीएम में बताओ, तो पीपीएम अपने को मालूम नहीं, तो अपने को क्या करना है, जो भी परसेंट दिया हुआ है उसको किससे गुणा कर दो, आप 10,000 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, पीपीएम आ जाएगा। आपको परसेंट याद है, उस परसेंट को 10,000 से गुणा कर दो, पीपीएम आ जाएगा। अगर आपको पीपीएम याद है और एग्जाम में ऑप्शन परसेंट में आ गया तो क्या करना है, तो क्या करना है, एग्जाम में आ गया परसेंट में ऑप्शन, तो परसेंट में आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको याद क्या है, पीपीएम, और एग्जाम में ऑप्शन आ गया परसेंट में, तो इसमें क्या कर दोगे आप, 10,000 का भाग दे दोगे, तो परसेंट आ जाएगा, पीपीएम में 10,000 का भाग दे दोगे परसेंट आ जाएगा, और परसेंट को 10,000 से गुणा कर दोगे तो पीपीएम आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट था अपना, आंसर बताइए फटाफट। हाँ करीब करीब सभी लोगों का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान का जनक J.W. लीथर को कहा जाता है। भारतीय मृदा विज्ञान, फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस किसे कहा जाता है, J.W. लीथर को कहा जाता है। डोकुचेव को क्या कहा जाता है, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर तीन, डोकुचेव जो है इसको कुछ विज्ञान का जनक कहा जाता है, मृदा विज्ञान सोइल साइंस वह एक विज्ञान और है जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी, सोइल साइंस और पेडोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, वीवी डोकुचेव को कहा जाता है, फादर ऑफ सोइल साइंस एंड पेडोलॉजी कौन है, वीवी डोकुचेव। मृदा विज्ञान का जनक इंडिया के अंदर, ये कहां पूछा है, भारत के अंदर, भारत की बात हो मृदा विज्ञान की तो कौन आ जाएगा, J.W. लीथर आ जाएगा। और सिंपल पूछा है मृदा विज्ञान का जनक किस को वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो डोकुचेव को कहा जाता है, और भारत की बात करेंगे तो लीथर आ जाएगा। लिबिंग जो है, लिबिंग जो है ये आपके सिलेबस में जो जोड़ा गया है जेट में, जेट की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो आपकी केमिस्ट्री में जोड़ी गई है, उस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, लिबिंग को, कृषि रसायन का जनक, कृषि रसायन का जनक किसे कहा जाता है, लिबिंग को कहा जाता है। डोकुचेव को मृदा विज्ञान और पेडोलॉजी का जनक कहा जाता है, कृषि रसायन का जनक लिबिंग को कहा जाता है, लीथर को भारत में मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चले आगे। ये मार्बट जो है, मार्बट ने सोयल का क्लासिफिकेशन दिया था, सोयल के खूब बेसिस पे क्लासिफिकेशन थे, वो क्लासिफिकेशन दिया था जो आपके सिलेबस में नहीं है। चले क्या आगे, बता दो चले कि नहीं चले, जल्दी से बता दो ना, चले कि नहीं चले, रुकना है क्या, चलना है क्या, करना है देखे तो बताओ।
ठीक है चला, सतेंद्र बोल दिया आपने, चलते हैं भैया, आप बोलो और हम ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सिंग ऑफ सोइल मटेरियल इन सोलम बाय द चूर्निंग प्रोसेस कॉज्ड बाय स्वेल श्रिंक क्ले इज कॉल्ड एज, फैलाव व सिकुड़न से मृदा मिश्रण होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक फेनुअल पेडोटर्बेशन, ऑप्शन नंबर दो फ्लोरल पेडोटर्बेशन, ऑप्शन नंबर तीन पेडोटर्बेशन अर्जिलिक, ऑप्शन नंबर चार अर्जिलाइजेशन। इमरान बता रहा है तीन, नेहा बता रही है तीन, आर्यन बता रहा है तीन, लक्ष्मण बता रहा है तीन, सचिन बता रहा है तीन, आशा तीन, राहुल तीन, ममता तीन, नौसाद बता रहा है तीन, प्रीतम शर्मा तीन, राज पटेल तीन, एचआर चौधरी तीन, लक्ष्मण तीन, देवेंद्र तीन, अभिनंदन तीन, अर्चना तीन। हाँ, आप सभी का राइट आंसर है, आंसर क्या कहलाएगा, अगर मृदा के फैलाव और सिकुड़न स्वेलिंग और श्रिंकेज से सोइल की मिक्सिंग हो रही है तो वो पेडोटर्बेशन कौन सा कहलाएगा, अर्जिलिक पेडोटर्बेशन कहलाता है वो, कौन सा कहलाता है, अर्जिलिक पेडोटर्बेशन। क्या होता है सबसे पहले तो एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया, सोइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सोइल, मृदा का मिश्रण होना पेडोटर्बेशन कहलाता है। अब ये तीन टाइप से होता है, फेनुअल, फेनुअल का मतलब है जंतुओं के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, फ्लोरल पेड़ पौधों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। अगर प्लांट्स के द्वारा सोइल की मिक्सिंग हो रही है तो वो फ्लोरल पेडोटर्बेशन कहलाता है, अगर जीव जंतुओं के द्वारा सोइल की मिक्सिंग हो रही है तो वो फेनुअल पेडोटर्बेशन कहलाता है, और स्वेलिंग और श्रिंकेज से सोइल की मिक्सिंग हो रही है तो वो अर्जिलिक पेडोटर्बेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर राइट है तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाईएस्ट सीईसी इज इन विच, निम्न में से सबसे अधिक सीईसी होती है। ऑप्शन नंबर एक केओलिनाइट, ऑप्शन नंबर दो कार्बनिक कोलाइड, ऑप्शन नंबर तीन अकार्बनिक कोलाइड, ऑप्शन नंबर चार वर्मी कोलाइड। इमरान बता रहा है बी, आर्यन बता रहा है दो, कोमल बता रही है बी, रानी बता रही है बी, राज बता रहा है दो, अंकित बता रहा है दो, अभिनंदन बता रहा है दो, रुद्रदेव बता रहा है दो। ठीक है, हाईएस्ट सीईसी किसकी होती है, सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता। सीईसी का मतलब क्या होता है, धनायन विनिमय क्षमता। अब मैं देखो आपको पूरा क्लियर ही कर देता हूं, ये देखो सीईसी, सीईसी बोले तो धनायन विनिमय क्षमता, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को पहला क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि यूनिट क्या है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की, तो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की यूनिट होती है सेंटीमोल प्रोटोन प्लस पर केजी, सेंटीमोल प्रोटोन प्लस पर केजी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की यूनिट होती है। फिर एक ट्रिक याद करना आप, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी कितनी होती है, ट्रिक याद करना किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। तो ये ट्रिक है, हम वतन में इंकलाब करेंगे, हम वतन में इंकलाब करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, हम वतन में इंकलाब करेंगे। हम का मतलब हो गया हुमस, वतन का मतलब हो गया वर्मी कुलाइट, मे का मतलब हो गया मोंट मोरिलोनाइट, इंकलाब का मतलब हो गया इलाइट, और करेंगे का मतलब है केओलिनाइट। हम वतन में इंकलाब करेंगे, हम का मतलब हुमस, वतन का मतलब वर्मीकुलाइट, मे का मतलब मोंटमोरिलोनाइट, इंकलाब का मतलब इलाइट, और करेंगे का मतलब केओलिनाइट। सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता हुमस की, उससे कम वर्मीकुलाइट की, उससे कम मोंटमोरिलोनाइट की, उससे कम इलाइट की,
और सबसे कम किस मृदा कोलाइट की धनायन विनिमय क्षमता होती है? केओलिनाइट की। कितनी? केओलिनाइट की 3 से 15 सेंटीमोल पी प्लस पर केजी, इलाइट की 15 से 40, मोंटमोरिलोनाइट की 80 से 100, वर्मिकुलाइट की 100 से 150 और हुमस की 150 से 300 सेंटीमोल पी प्लस पर केजी। ये जितने भी है ये सारे के सारे कौन से मृदा कोलाइड है? एकार्बनिक मृदा कोलाइड है, इनऑर्गेनिक मृदा कोलाइड है। और ये हुमस जो है ये कौन सा मृदा कोलाइड है? ऑर्गेनिक मृदा कोलाइड है, कार्बनिक मृदा कोलाइड है हुमस। और ये वाले जो है इनऑर्गेनिक सोयल कोलाइड्स है। तो सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता किसकी हुई? हुमस की। हुमस बोले तो कार्बनिक मृदा कोलाइड की। किसकी हुई? हुमस की, कार्बनिक मृदा कोलाइड की। सर ये क्या लगा चला दिया नीचे, कमेंट आ रहे हैं, बाद में कर लेना सर उसको, चला दूंगा सामने। अब उसको इस इधर चलने दो इसको। विच ऑफ द विच फर्टिलाइजर हैज रिस्क ऑफ फायर और एक्सप्लोशन? निम्न में से किस उर्वरक की विस्फोटक प्रकृति है? अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। निकू बता रहा है बी, अभिषेक बता रहा है बी। हाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वॉइस की, आवाज़ बंद हो गई थी, मेरे खुद की आना ही बंद हो गई थी आवाज़, इसलिए नहीं आ पाई होगी। गोलू बता रहा, हाँ आ गई भैया, आ गई ना, अच्छे से आ गई अब तो। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना आवाज़ आने में यार, लगातार थोड़ी कोई आदमी बोल सकता है, मैंने बोलना ही बंद कर दिया तो आवाज़ कैसे आएगी? अब यार बोलना स्टार्ट किया है तो आवाज़ आने लग गई सबके पास, तो ऐसी टेंशन मत लिया करो आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो अपने घर की है, कभी भेज देंगे आपके पास। ट्विशा बता रही है बी, अंकित बता रहा है बी, डीके सुमन बता रहा है बी। हाँ अपन आंसर की बात कर लेते हैं, एक्सप्लोसिव नेचर का फर्टिलाइजर कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है, एक्सप्लोसिव नेचर का उर्वरक है। और ये भी पूछ ले, भारत में किस उर्वरक को किसानों को प्रयोग के लिए नहीं दिया जाता? तो अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका प्रयोग भारत में उर्वरक के रूप में नहीं हो रहा है। अमोनियम नाइट्रेट जो है इसका प्रयोग भारत में एज ए फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही एक्सप्लोसिव नेचर का है, विस्फोट हो सकता है, धमाका हो सकता है इससे, इसलिए इसका प्रयोग अपन नहीं करते हैं, परमिशन ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से इसकी। एक प्रॉपर्टी और है इसकी अमोनियम नाइट्रेट की, एक तो सर्वाधिक क्या है ये, एक्सप्लोसिव नेचर का है, विस्फोटक प्रकृति का है। इसके अलावा एक है ये सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी है, हाईएस्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर का फर्टिलाइजर भी है, एक्सप्लोसिव नेचर का है, उसके साथ साथ कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी फर्टिलाइजर है ये, ठीक है ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज सिंपल फर्टिलाइजर, निम्न में से एकल उर्वरक है, ऑप्शन नंबर एक यूरिया, ऑप्शन नंबर दो पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर तीन अमोनियम सल्फर, अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर चार बोथ ए एंड सी। क्या हो गया? नाइट्रोजन कंटेंट मैं बता दूं आपको, अमोनियम नाइट्रेट में 33% नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन होता है, और अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन होता है। 33% नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट में, पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से एक उर्वरक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विच इज सिंपल फर्टिलाइजर, निम्न में से एकल उर्वरक कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, ए एंड सी दोनों। अब पहले बात की जाए सिंपल फर्टिलाइजर या एकल उर्वरक होते क्या है, सिंपल उर्वरक या एकल उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व में से एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, इन तीनों में से एक पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एकल उर्वरक कहलाते हैं, सिंपल फर्टिलाइजर कहलाते हैं। सिर्फ एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक पाया जाना चाहिए इन तीनों में से, वो क्या कहलाएंगे? सिंपल फर्टिलाइजर कहलाते हैं, एकल उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, मतलब एक ही पाया जा रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन, 44% पोटेशियम पाया जाता है, मतलब दो हो गए N और K। अमोनियम सल्फेट 20.6% नाइट्रोजन, 24% सल्फर। एकल उर्वरक क्या होता है? जिसमें एक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, तो यूरिया में एक ही पाया जा रहा है, यहाँ पे दो पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। यहाँ पे भी एक ही पाया जा रहा है नाइट्रोजन, सल्फर तो द्वितीयक पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी तो एक ही है, इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर कौन सा सही हो गया? ए एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आर्यन, ओनली एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ पोर्जोलाइजेशन इज, पोर्जोलीकरण के विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ पोर्जोलाइजेशन इज, पोर्जोलाइजेशन के विपरीत है, ऑप्शन नंबर एक लैटेराइजेशन, ऑप्शन नंबर दो गैलेजेशन, पेडोट्रपेशन, ऑप्शन नंबर चार निच्छालन। नेहा बता रही है एक, सतेंद्र बता रहा है एक, टीना बता रही है एक, लक्ष्मण लाखन बता रहा है एक, लक्ष्मण बता रहा है एक, प्रीतम बता रहा है एक, राहुल एक, महेंद्र सिंह एक, अभिषेक एक, कुसुम लेटराइजेशन, आशा लेटराइजेशन, लक्ष्मण एक। हाँ अपन आंसर की बात कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी ये दोनों चीज़ें अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात भी कर ली, डिस्कशन भी कर लिया। पोर्जोलाइजेशन क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का नीचे जाना तो क्या कहलाएगा? पोर्जोलीकरण। और सिलिका का नीचे जाना क्या कहलाता है? लैटेराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो होती है, लैटेराइजेशन की परिभाषा क्या होती है और पोर्जोलाइजेशन की परिभाषा क्या होती है। अपन बात करें पोर्जोलाइजेशन की, सिलिका के बजाय आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का नीचे जाना कहलाता है पोर्जोलाइजेशन। और लैटेराइजेशन की परिभाषा होती है आयरन व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की बजाय सिलिका का नीचे जाना कहलाता है लैटेराइजेशन। इसलिए पोर्जोलाइजेशन के विपरीत जो होता है वो क्या कहलाता है? लैटेराइजेशन प्रोसेस कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिक मैटर इज रेसिस्टेंट टू डीकम्पोजिशन, विच ऑर्गेनिक मैटर इज रेसिस्टेंट टू डीकम्पोजिशन। राहुल बता रहा है एक, रानी बता रहा है सी, टीना बता रही है सी, देवेंद्र बता रहा है सी, ललित बता रहा है सी, नेहा सी, एच आर चौधरी तीन, दिव्या तीन, राजेंद्र तीन, संजय लिग्निन, ठीक है। आप सभी का आंसर क्या सही है, आप सभी बता रहे हो राइट आंसर है इसका लिग्निन। इसका राइट आंसर क्या है, लिग्निन। तो एक चीज याद रखना, ये कौन सा कार्बनिक पदार्थ का कौन सा अवयव जल्दी विघटित होता है, कौन सा देरी से विघटित होता है, कौन इजीली डिकम्पोज होता है, कौन सबसे लेट डिकम्पोज होता है। तो याद रखना, सादा जीवन परम है सभी लगाव से, सादा जीवन परम है सभी लगाव से। जितने भी लगाव है, कुछ लोग कहते हैं कि वैसा जीवन होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बड़ा सादा और सिंपल जीवन होना चाहिए। मैं कहता हूं कि देखो, आदमी को खाने के लिए दाल रोटी की आवश्यकता है। हर आदमी, चाहे कितना ही बड़ा आदमी है, दो वक्त की रोटी खा रहा है। दो वक्त की रोटी मिल जाए, सादा जीवन और उच्च विचार, बस यही जिंदगी की परम आवश्यकता है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी तो तड़क भड़क वाली जिंदगी तो कोई काम की नहीं है। आप सोशलिज्म में नहीं हो, सामाजिक जीवन में नहीं हो, आप किसी की हेल्प ना कर पाओ तो शायद ही आपसे, कितने ही पैसे वाले बन जाओ ना, कौन पूछ रहा है। आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो पैसे वाले को पूछ कौन रहा है भैया जी। तो सादा जीवन बहुत ही अच्छा जीवन है। तो सादा जीवन परम है सभी लगाव से। जितने भी जिंदगी के लगाव हैं, उनमें सबसे बेस्ट क्या है, सादा जीवन जीना। सादा का मतलब क्या हो गया, सादा बोले तो इंग्लिश में सिंपल, तो सिंपल की बात करें तो सिंपल शुगर, सिंपल शुगर मतलब शर्करा। और परम का मतलब हो गया प्रोटीन, सादा का मतलब हो गया शर्करा, परम का मतलब हो गया प्रोटीन, है का मतलब हो गया हेमीसेलुलोज, है का मतलब हो गया हेमीसेलुलोज, सभी का मतलब हो गया सेलुलोज, और लगाव का मतलब हो गया लिग्निन। लगाव का मतलब हो गया लिग्निन। कार्बनिक पदार्थ के ये घटक है, शर्करा, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन। सबसे आसानी से विघटित होने वाला कार्बनिक पदार्थ का अवयव कौन है, शर्करा। सबसे जल्दी विघटित हो जाता है, सबसे जल्दी विच्छेदित हो जाती है शर्करा। उसके बाद होती है प्रोटीन, उसके बाद होती है हेमीसेलुलोज, उसके बाद होता है सेलुलोज, और उस सबसे लास्ट में कौन होता है, लिग्निन। देखो लगाव है ना, किसी आदमी के प्रति लगाव जो हो जाता है अपने को, किसी आदमी से लगाव हो जाता है ना, तो वो लगाव होने के बाद आसानी से टूटता ही नहीं है। अगर किसी आदमी से जिंदगी में लगाव हो गया, और लगाव होने के बाद भैया वो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि लगाव हुआ है तो भैया बहुत अच्छी चीज़ है। तो लगाव हो गया तो लगाव हो गया, टूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता तो विच्छेदित नहीं हो सकता। तो डिकम्पोजिशन के प्रति रेसिस्टेंट कौन है, लिग्निन सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट है। ये आसानी से विच्छेदित होती ही नहीं है। सबसे आसानी से कौन होता है, शर्करा, उसके बाद प्रोटीन, फिर हेमीसेलुलोज, फिर सेलुलोज, और सबसे लास्ट में लिग्निन। और लिग्निन का विच्छेदन हर कोई करने की बस की बात नहीं है। होता ना, लगाव हो गया तो हर कोई तुड़वा भी नहीं सकता उस लगाव को। किसी आदमी से लगाव हो गया तो हर कोई तुड़वा भी नहीं सकता उसको। हर किसी के बस की बात थोड़ी, तुड़वा देंगे लगाव हुआ है तो, लगाव हुआ है तो अच्छे से हुआ होगा, तो हर कोई नहीं तोड़ सकता है इसको। कौन तोड़ सकता है इसको, एक ही फफूंद का ग्रुप है वो तोड़ सकता है, बेसिडियो माइसिटीज। इसको मुख्यतया
बेसिडियो माइसिटीज ही विच्छेदित कर सकती है, बैक्टीरिया जो है जीवाणु के बस की तो बात ही नहीं है, जीवाणु इसको विच्छेदित नहीं कर सकते, इसका विच्छेदन बेसिडियो माइसिटीज समूह की फफूंद कर पाती है। और इसके अलावा एक और है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज भी कर देती है, ये दो लोग ही इसका विच्छेदन कर पाते हैं, बाकी हर कोई विच्छेदन ही नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है द सोइल फॉर्मिंग फैक्टर डेट हैज नो रिलीवेंस आफ्टर सोइल रिसेज इट्स मैच्योरिटी। निम्न में से मृदा निर्माण का कौन सा कारक मृदा निर्माण की परिपक्वता के बाद महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर एक समय, ऑप्शन नंबर दो स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर तीन जलवायु, ऑप्शन नंबर चार सभी। इमरान बता रहा है सी, शकुंतला शेखावत बता रही है एक, महेंद्र बता रहा है सी, राहुल बता रहा है सी, राज पटेल बता रहा है सी, राधेश्याम सी, कुसुम डी, आशा सी, एच आर चौधरी दो, आर्यन दो, मोनू एक, राहुल तीन, चंद्रकांता तीन, निक्कू चार, भरत बता रहा है सी, ममता टाइम। ठीक है, ममता ने सही बताया इसका आंसर, समय जो है, देखो जब सोइल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, मृदा का निर्माण कंप्लीट हो गया, मृदा बन चुकी है, मृदा बनने के बाद समय का कोई काम नहीं, समय तो सिर्फ इसीलिए आवश्यक था कि मृदा का निर्माण होने में कितना समय लगा, वहां तक इसका इंपॉर्टेंस है कि मृदा का निर्माण स्टार्ट हुआ, सोइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद सोइल कितने समय में बन गई, वहां तक समय का काम है। जब सोइल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका उसके बाद ये कोई काम की चीज ही नहीं है, उसके बाद इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज नोन एज, थलमंडल की ऊपरी परत कहलाती है, ऑप्शन नंबर एक मृदा, ऑप्शन नंबर दो भूपपड़ी, ऑप्शन नंबर तीन सीमा, ऑप्शन नंबर चार सीएल। इमरान बता रहा है दो, नवनीत गौतम बता रहा है एक, राहुल बता रहा है दो, शकुंतला दो, नेहा दो, आशा दो, विकास दो, कुसुम दो, टीना दो, मनीषा भी दो। ठीक है, देखो जो लिथोस्फीयर होती है, थल मंडल होता है, लिथोस्फीयर की सबसे अपर लेयर जो है वो अर्थ क्रस्ट कहलाती है, थल मंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, अर्थ क्रस्ट कहलाती है। देखो पृथ्वी पे तीन लेयर है, जलमंडल, वायुमंडल, थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और थल मंडल। सबसे भारी जो है, सबसे ज्यादा बायोमास किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन से मंडल में बायोमास पाया जाता है, सबसे ज्यादा बायोमास इसी में पाया जाता है, 93% सबसे भारी मंडल यही है थल मंडल, उसके बाद 7% जलमंडल में होता है, और वायुमंडल में तो कोई वजन ही नहीं है, वायुमंडल में तो कोई बायोमास नाम की चीज ही नहीं है। 93% बायोमास पाया जाता है थलमंडल में, 7% पाया जाता है जलमंडल के अंदर बायोमास, और वायुमंडल में होता ही नहीं, सबसे भारी होता है ये। और थलमंडल की सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाती है, भूपपड़ी, अर्थ क्रस्ट कहलाती है। अब खूब सारे बच्चे क्या करते हैं, सर थलमंडल की बात करें, थलमंडल की सबसे ऊपरी परत को मृदा कह दूं, थलमंडल की सबसे ऊपर वाली परत मृदा नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट या भूपपड़ी की सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाएगी, मृदा। भूपपड़ी की ऊपर की परत क्या कहलाएगी, मृदा। थलमंडल की ऊपरी परत अर्थ क्रस्ट या भूपपड़ी, और भूपपड़ी की ऊपर वाली परत मृदा कहलाती है। तो पूछ ले एग्जाम में, थलमंडल की ऊपरी परत कहलाती है
भूपपड़ी कहलाती है, ये पूंछे भूपपड़ी की ऊपर वाली परत कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? मृदा। अब ये जो अर्थक्रस्ट होती है, वैसे तो इसके बारे में अपन किसी नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अर्थक्रस्ट जो होती है, जैसे ये अपना ये थलमंडल है, इस थलमंडल की ऊपर वाली जो परत है ये क्या कहलाती है? अर्थक्रस्ट कहलाती है, भूपपड़ी कहलाती है, ठीक है। अगर इस भूपपड़ी के अंदर, इस भूपपड़ी के अंदर किसकी अधिकता हो? एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाता है, तो क्या कहलाती है ये? देखो, SI से सिलिका और AL से क्या हो गया? एल्यूमिनियम। अगर भूपपड़ी की ऊपरी परत में एल्यूमिनियम व सिलिका की अधिकता है तो क्या कहलाएगी? Cl कहलाएगी। क्या बोलेंगे उसको? Cl कहलाएंगे। अगर भूपपड़ी या अर्थक्रस्ट की ऊपरी परत में एल्यूमिनियम व सिलिका की अधिकता है तो क्या कहलाएगी? Cl कहलाएगी। अगर मैग्नीशियम की अधिकता है, सिलिकन और मैग्नीशियम की अधिकता है, तो क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी। अगर मैग्नीशियम ज्यादा है भूपपड़ी की ऊपरी परत में तो क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी। अगर एल्यूमिनियम और सिलिकन ज्यादा है तो क्या कहलाएगी? Cl कहलाएगी। Cl कहलाएगी और क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सोइल कोलाइड सिलिका सीट इज सब्स्टिट्यूट बाई एल्यूमिनियम। निम्न में से मृदा कोलाइड में सिलिका परत का स्थानांतरण एल्यूमिनियम से होता है। ऑप्शन नंबर एक केओलिनाइट, ऑप्शन नंबर दो इलाइट, ऑप्शन नंबर तीन मोंटमोरिलोनाइट। जल्दी से आंसर बताइए। देवेंद्र बता रहा है सी, आशा बता रही है बी, चित्रांशु बता रहा है सी, पूंजीलाल बता रहा है। गुरुजी प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम, जल्दी आ गए आप। पूंजीलाल जी जल्दी आ गए यार, थोड़ा सा कोई बात नहीं, धन्यवाद आप आए, ये अच्छा लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक की बात थी ये तो। हाँ, अपन बात करें आंसर की। देखो, सिलिका सीट का सब्स्टिट्यूट किसके द्वारा बता रहा है? जो सिलिका सीट है, इस सिलिका सीट किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुई? एल्यूमिनियम के द्वारा। तो देखो, अपन आंसर निकालते हैं पहले। केओलिनाइट में कोई भी सीट का प्रतिस्थापन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जो केओलिनाइट मृदा कोलाइड है, इसमें प्रतिस्थापन होता ही नहीं है, तो केओलिनाइट आंसर नहीं है। मोंटमोरिलोनाइट में सिलिका सीट प्रतिस्थापित नहीं होती, उसमें कौन सी सीट प्रतिस्थापित होती है? एल्यूमिनियम सीट प्रतिस्थापित होती है। मोंटमोरिलोनाइट जो है, इसमें एल्यूमिनियम सीट का प्रतिस्थापन आयरन या मैग्नीशियम के द्वारा होता है। अपन ने पूछा है सिलिका सीट का प्रतिस्थापन, तो सिलिका सीट जो है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित होती है? एल्यूमिनियम के द्वारा। ऐसा इलाइट मृदा कोलाइड में होता है। किस में होता है? इलाइट में। ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ केओलिनाइट इज, केओलिनाइट का रासायनिक सूत्र है, जल्दी से बताइए, केओलिनाइट का रासायनिक सूत्र है शकुंतला से कहा बता रही है, एक दो, चंद्रकांता एक, प्रीतम एक, कुसुम एक, राहुल एक, अभिनंदन एक, भरत कुमार धाकड़ एक। चलो अपन बात कर लेते हैं। देखो,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, Al4Si4O10OH8। ये केओलिनाइट का रासायनिक सूत्र होता है, Al4Si8O20OH4। ये मोंट मोरिलोनाइट का रासायनिक सूत्र है, ये मोंट मोरिलोनाइट का रासायनिक सूत्र है। और मोंट मोरिलोनाइट और इलाइट में तो कोई ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है, मोंट मोरिलोनाइट और इलाइट में तो एक चीज का ही डिफरेंस है, पोटेशियम बॉन्डिंग पाई जाती है किसमें, इलाइट में। जो इलाइट मर्दा कोलाइड है इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, पोटेशियम बंध। तो मोंट मोरिलोनाइट का जो फॉर्मूला है उसके आगे पोटेशियम लगा दो, कौन सा मिनरल बन जाएगा, वो इलाइट बन जाएगा। तो केओलिनाइट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर एक, इलाइट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर दो, मोंट मोरिलोनाइट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉस्फोरस कंटेंट इन बेसिक स्लैग इज प्रोड्यूस इन इंडिया इज, भारत में उत्पादित होने वाली बेसिक स्लैग में फॉस्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर एक 2 से 5, ऑप्शन नंबर दो 5 से 10, ऑप्शन नंबर तीन 10 से 20%, ऑप्शन नंबर चार 20 से 30%। इमरान बता रहा है सी, सचिन बता रहा है एक, इमरान सी, राजकुमार एक, राहुल एक, आशा सी, राहुल तीन, विशाल एक, सचिन 2 से 5%, राज पटेल तीन, कुसुम तीन, टीना तीन, ठीक है। आंसर की बात करते हैं अपन, देखो इसका आंसर है 2 से 5%, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 2 से 5%, ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। इधर देखना थोड़ा सा, देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था भारत में उत्पादित होने वाली बेसिक स्लैग में फॉस्फोरस होता है 2 से 5%, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता बेसिक स्लैग में फॉस्फोरस होता है, बेसिक स्लैग में फॉस्फोरस की मात्रा होती है 10 से 20%, बेसिक स्लैग में 10 से 20% फॉस्फोरस होता है, लेकिन भारत में जो बेसिक स्लैग का प्रोडक्शन किया जा रहा है, भारत में जो बेसिक स्लैग उत्पादित की जा रही है उसमें 2 से 5% ही फॉस्फोरस पाई जाती है। इंडिया के अंदर बनने वाली बेसिक स्लैग में 2 से 5% ही होती है, और सिंपल पूछे आपको बेसिक स्लैग में फॉस्फोरस 10 से 20%। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो साइंटिस्ट की एग्जाम थी उसमें भी पूछा हुआ है कि फॉस्फोरस कंटेंट कितना होता है बेसिक स्लैग में जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, तो 2 से 5% उसके अंदर फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज का, नाइट्रेट इज रिड्यूस इन सोयल, प्रोसेस इज नोन एज, नाइट्रेट अवकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा में नाइट्रेट का ह्रास कहलाता है, विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रोजन स्तरीकरण। रानी बता रही है एक, प्रीतम बता रहा है एक, सचिन बता रहा है एक, राहुल बता रहा है एक, विकास बता रहा है एक, अभिनंदन एक, लखन एक, टीना एक, आशा एक, चंद्रकांता एक, भरत एक। चलो इसके राइट आंसर क्या है, आप सभी का आंसर सही है, इसका राइट आंसर है वी नाइट्रीकरण, डी नाइट्रीफिकेशन इसका राइट आंसर है। अपन बात कर लेते हैं डी नाइट्रीफिकेशन होता क्या है, डी नाइट्रीफिकेशन क्या होता है, डी नाइट्रीफिकेशन होता है जो नाइट्रेट नाइट्रोजन होती है
इस नाइट्रेट नाइट्रोजन का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाना विनाइट्रीकरण कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, नाइट्रेट से पहले बनता है NO2, नाइट्राइट, नाइट्राइट से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर बनता है नाइट्रस ऑक्साइड और फिर बनता है N2। मतलब नाइट्रेट, नाइट्रेट का रिडक्शन किस में हुआ, नाइट्राइट में। नाइट्राइट का रिडक्शन किस में हुआ, नाइट्रिक में। और नाइट्रिक का रिडक्शन किस में हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड में। और नाइट्रस ऑक्साइड किस में चेंज हो गई, नाइट्रोजन गैस में चेंज हो गई। तो नाइट्रेट नाइट्रोजन का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होना डीनाइट्रिफिकेशन विनाइट्रीकरण कहलाता है, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होती है, वायु की अनुपस्थिति के अंदर होती है विनाइट्रीकरण। वायु की अनुपस्थिति के अंदर नाइट्रेट नाइट्रोजन का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाना विनाइट्रीकरण कहलाता है, जिसमें मुख्यतया दो जीवाणु काम में आते हैं, स्यूडोमोनास और थायोबेसिलस। स्यूडोमोनास और थायोबेसिलस ये दो जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रोसेस में भाग लेते हैं। कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, स्यूडोमोनास और बेसिलस, थायोबेसिलस। ठीक है, ठीक है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा बता दीजिए फटाफट कमेंट करके। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप नेशनल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट लेते रहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और नेशनल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप कंटिन्यूस सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो बताइए बच्चों, आज का सेशन कैसा रहा, देखो आप बता दोगे जल्दी से सेशन कैसा रहा, आप मोटिवेट करोगे तो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा ना, अच्छा रहा या नहीं रहा। किसी को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, किसी को देखो अब से अपन लास्ट में 5 मिनट आपकी रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मेरा भी कमेंट बॉक्स पे कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, तो किसी का कमेंट मैं भी नहीं देख पाता हूँ। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में रही हो तो प्लीज़ वो बता सकता है आप कमेंट करके कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए प्लीज़। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेशन को एंड करें। सेशन को एंड करें, ठीक है। आप सभी को अगेन शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और चलो एक चीज लास्ट में बात कर लेता हूं, फ्री है तो एक मिनट की और बात कर लो। जीवन का पहला शिक्षक कौन था, आपके जीवन का नहीं, इस सृष्टि का पहला शिक्षक कौन था, इस सृष्टि का पहला शिक्षक कौन था। इस सृष्टि का पहला शिक्षक था, देखो महाभारत आप सभी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं महाभारत के बारे में। और महाभारत और रामायण जो है ये बड़ी ही मोटिवेटिव है, कुछ बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। रामायण में भी आपने कुछ चीज़ें सीखी होगी, रामायण से चीज़ सीखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी चीज़ राम से सीखने को मिली थी। जिंदगी में त्याग और समर्पण करोगे आप, त्याग की भावना और समर्पण की भावना है, डेडिकेशन है आपका, त्याग करने की आप में भावना है, तो जिंदगी का कोई भी मुकाम आपके लिए बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है।
भगवान श्री राम ने त्याग किया इसलिए वो भगवान श्री राम कहलाए, अदरवाइज वो राज सिंहासन 14 वर्ष का वनवास पे नहीं जाते तो भगवान श्री राम नहीं कहलाते वो। तो त्याग बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं बात कर रहा था महाभारत की, जिंदगी का पहला शिक्षक महाभारत का, जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे, रख दिए थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, सामने मेरे भाई है, बंधु है, इनसे मैं क्या युद्ध करूंगा। तो जिंदगी का पहला शिक्षक, इस सृष्टि का पहला शिक्षक वो भगवान श्री कृष्ण था, वासुदेव श्री कृष्ण था, जिसने अर्जुन को उस युद्ध में शिक्षा दी थी कि ये भाई बहन पिता माता ये युद्ध नहीं है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है, ये आपको लड़ना है। ये तो जिंदगी का पहला शिक्षक भगवान श्री कृष्ण था। और आज शिक्षक दिवस है तो मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। नेशनल कैरियर एकेडमी की तरफ से, नेशनल कैरियर एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी से आप मनोकामनाएं, आपकी जीवन की सभी डिजायर कंप्लीट हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, ठीक है, थैंक यू। यस सर।